हे hey welcome एंड वेलकम बैक टू गो और क्या खतरनाक वीकेंड का वार हुआ है शुक्रवार का वार और शनिवार का वार जो शालीन पर भारी पड़ा होगा आई डोंट थिंक से वो किसी और पर पड़ा होगा इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और आज का रिव्यू होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसालेदार बिकॉज ऐसा ही था शो आज का एंड आई हैड ग्रेट टाइम वॉचिंग इट बिकॉज all the issues which i was thinking in my head should be addressed was addressed and um... काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक रिएक्शंस देखने को मिले हैं और थोड़ा सा जो हमारे दो ग्रुप हैं घर में वो दोबारा से बढ़ते हुए देख रहे हैं तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप तो वीकेंड के वार के पहले हमें डेट ट्वेल्व पे पता चलता है एक बहुत ही अच्छा टास्क जिसमें अर्चना ने व्रत रखा था और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी एंड एज अ रिजल्ट उसको मिला था अदरक अदरक अर्चना को मिली और सौंदर्य का मुंह सड़ा करेला जैसा हो गया आई डोंट नो वाई और बार बार बिग uh, बॉस उस पर फोकस भी कर रहे थे कि यू नो लाइक शी इज़ नॉट लाइकिंग दैट अर्चना इज़ गेटिंग सो मच ऑफ फुटेज एंड एवरीथिंग एल्स बट भाई जो खेलेगा वो उसको जो अच्छा कॉन्टेंट देगा जो एंटरटेनमेंट देगा वो तो दिखेगा ही दिखेगा ना और ऐसा ही कुछ होता हुआ हमें दिखा भी बिकॉज़ अंकित ने जब डी किया जब उसको कॉन्फेशन रूम में बुलाया गया था उसने काफ़ी क्लियरली लोगों को वही सब डी करके बताया जो हमें एज अ ऑडियंस दिख रहा है एंड यही डिस्कशन होता है हमारे शुक्रवार के वार में uh, पहले तो सलमान खान जी आते हैं एंड देन जूस कॉर्नर वाला टास्क होता है बिकॉज पीपल गॉट वेरी हैप्पी क्योंकि बिग बॉस का एंथम नहीं बजता है क्योंकि दे आर सो बोर्ड ऑफ इट ऑलरेडी और सलमान खान का गाना बजता है एंड देन दे डांस मतलब इतना ज़्यादा डांस कर रहे थे कि दे वर लाइक लाइक वाओ फाइनली यू फील यू आर इन अ बिग बॉस हाउस और उसके बाद टास्क शुरू होता है जिसमें लाइक सलमान खान इज़ ऑन अ लाइक ऑडिबल एंड देन ही मेक देम प्ले लाइक जूस का जूस कॉर्नर बिग बॉस जूस कॉर्नर ठीक है तो इसमें बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कड़वे फ्लेवर्स के जूस हैं एंड uh, अर्चना और सौंदर्य की राइवलरी जो है एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना डजेंट इवन टेक दिस एज अराइवलरी बिकॉज उसको कभी बस वो एंटरटेन ही करती रहती है मोस्टली बट सौंदर्य को अच्छा नहीं लगता कि द वेजी टॉक्स इन एवरी थिंग तो वो चीज़ है एंड अर्चना सौंदर्य को पिलाती है सौंदर्य अर्चना को पिलाती है एंड देन सिम्बुल गौरी को पिलाती है वो जो मुझे समझ में नहीं आया क्यों बट ऐसा होता है एंड प्रियंका निमृत एंड निमृत प्रियंका वो तो सामने दिख ही रहा है तो इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें जो इस टास्क के थ्रू समझ में आने लगती हैं ठीक है फिर उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प टास्क होता है जिसमें साजिद और अब्दू को टास्क दिया जाता है जिसमें उसको टीना का टेडी बेर शालीन का आ, शालीन का शेकर एंड सुम्बुल की पिक फ्रेम जो उसके डैड के साथ है, एंड गौतम शूज़ ठीक है पैर ऑफ़ शूज़ ये धीरे से स्मगल करके रखने होते हैं कॉन्फेशन रूम में एक्चुअली नहीं, नहीं नहीं स्टोर रूम में और बिना किसी को बताए और क्या बखूबी ये दोनों ये टास्क करते हैं जिसको देख बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था और पता नहीं लगती भैया किसी को घर में हवा भी नहीं लगती है कि कैसे कब क्या चीज़ें निकाल के ले गई ये दोनों अब्दू इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट आई हैव टू से इट वन मोर टाइम एंड विथ साजिद सपोर्ट दे आर बेस्ट पार्टनर्स इन क्राइम तो बहुत ही बखूबी वो टास्क होता है एंड उसके बाद साजिद को एक और टास्क सलमान खान देते हैं कॉन्फेशन रूम में कि अभी उनको दे हैव टू लाइक ही टू कन्विंस द होल घर वालाज दैट अब्दू इज गॉन मिसिंग सो ही काइंड ऑफ निट्स

घर वालों के सामने आ जाता है एम सो सॉरी गैस मेरे गले में मेरी टॉन्सल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है बोलने में मैं कोशिश कर रही हूँ जितना क्लियर बोल सकूँ बट एनी तो प्लीज़ फोर मी फॉर दैट ओके एंड हाँ फिर वो आते हैं एम दू एंड देन ही गेट्स कंग्रेचुलेशन की बहुत ही अच्छे से टास्क किया एंड दिस इन दैट एंड आते ही सलमान खान पहले जो शनिवार के वार के दिन बोलते हैं कि अर्चना आपको इंडिया बहुत पसंद कर रही है और मेरा रिव्यूज अगर आप देखते हो तो मैं अर्चना को हमेशा बोलती हूँ शी इज वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनर राइट नाउ इन द हाउस क्योंकि वो किसका कोई पंगा नहीं है बस वो मजे कर रही है एंड शी इज हैविंग फन एंड शी इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ लाफ्टर इन द हाउस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज एन ऑडियंस आई नो आई डू नॉट ओनली वॉन्ट टू वॉच लव स्टोरीज एंड एंगल्स एंड पॉलिटिक्स आई ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच समबडी as an entertainer in the house and which archana is doing so ये ऑन दैट uh, मैं यूपी से हूँ तो मुझे और भी अच्छा लगता है थोड़ा सा तो ठीक है फिर वही हार्डी uh, संधु और परिनीति आते हैं टू प्रमोट देयर मूवी एंड द काइंड ऑफ प्ले द टास्क बट वो टास्क मुझे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा बिकॉज इट्स लाइक यू हैव टू डेडिकेट अग टू समी एंड लाल तो वो हो जाता है एंड एवरीबडी लाइक्स अब्दू तो परिनीति ऑल्सो प्रेजे अब्दू अल लॉट एंड फिर जो मेन रहा इसका कि सुबुल के जो पापा आते हैं एंड देन ही काइंड ऑफ टेल्स सुम्बुल वॉट इज हैपनिंग विद हर इन द हाउस एंड वे शी शुड बी कॉशियस उसमें वो काफ़ी क्लियर कट बताते हैं सुम्बुल को कि शालीन और टीना क्या कर रहे हैं उसके पीठ पीछे से और उसके बाद ये भी बताते हैं कि जिन जिनका गेम उनको बहुत अच्छा लग रहा है जिसमें से ही प्रेजेस शिव ही प्रेजेस गौतम

काइंड ऑफ यूजलेसली फिलिंग द स्पॉट इन एट एंड कुछ कर नहीं रही है वो तो उसके पापा काफ़ी अच्छी पोइम भी सुना के जाते हैं जिसमें ही tells everything directly, indirectly इतना तो बोल दिया बट अगले एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि शालीन एंड टीना देर वेरी वर्ड कि जो भी चीज़ें बाहर जा रही हैं और जिस तरीके से जा रही हैं एंड दे ऑल्सो टॉक अबाउट इट कि भाई हमारी इमेज पता नहीं क्या पोटरी हो रही है समझ नहीं आ रहा है और अगले एपिसोड में ऐसा दिखा रहा है कि फिर से सुम्बुल इन्हीं लोगों के साथ बैठ रही है इन्हीं लोगों के साथ आगे पीछे बात कर रही है जस्टिफिकेशन दे रही है एंड सलमान खान अड्रेस द सेम थिंग वेन ही कम्स ऑन द स्टेज एंड ही सेज कि तुमने फिर से वही किया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम करोगी कि तुम समझ नहीं पाती हो और तुम फिर जस्टिफिकेशन देने लगती हो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योर सेल्फ बट मुझे एक चीज़ पूरे एपिसोड में जो बहुत सही लगी that everybody is responsible for their own actions and uh, simbul is also responsible for her own action although unke papa ne unko bahut pure hearted aur clean hearted bola having said that aap jo karte ho aap apni man marzi se show me kar rahe ho to aap keval kisi aur ko blame नहीं कर सकते कि वो लड़का है. या tina is not playing a sister इस घर में सब लोग हैं and they all have like they have been so many uh, seasons Wherein people have come at a very young age, but nobody has been seen the way she is being seen in the show. So I feel that everybody is responsible for their own actions. She's been working when she was very young. And um, I think you learn from your experiences, and she should learn, and at least she's lucky enough. दैट हाउ फादर कैन कम अगैन एंड गाइड हवर इन द शो बट ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे ज्यादा दिख ही नहीं सुब्बल में एंड इवेंचुअली अर्चना कहती है कि ये देख लो सुबुल को अभी इसके पापा समझा कर गए हैं लेकिन इसको कोई भी असर नहीं है ये उन्हीं लोगों के साथ कुछ 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 करने में लगी हुई है विच इज़ वेरी ट्रूली सेड एंड अभी देखो आगे वाले आने वाले हफ्ते में पता चलेगा कि उसको इस तरह की थेरेप्योटिक कॉन्वर्सेशन कुछ काम भी आई हैं कि शालीन पूछते हुए भी दिखते हैं कि तुम्हें मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं तो मुझे बोलो आई मीन इवन इफ यू हैव अ क्रश ऑन समवन इट्स ओके टू अड्रेस इट बिकॉज इवेंचुअली यू विल गेट ओवर इट एंड लाइक सलमान खान सेट दैट यू विल लव अबाउट इट वैन यू सी इट

प्रियंका एंड निमृत के बीच में टास्क होता है दैट हु इज स्ट्रॉगर एंड हु प्लेइंग द गेम बेटर एंड आई न्यू इट दैट प्रियंका वुड विन इट एंड प्रियंका डेड प्रियंका से याद आया कि एक गेम पहले वाले सेगमेंट में भी होता है जिसमें सलमान खान आकर अपना एक एक स्टेटमेंट्स बताते हैं जो घर वालों घर वालों ने एक दूसरे के अगेंस्ट बोला है एंड आई सी की uh, वो सुंबुल को भी पूछते हैं कि किसी ने आपके बारे में ये बोला है कि इश्क प्यार मोहब्बत जुनून में पागल हुई जा रही है एक तरफा है एंटीना आई डोंट नो समाउ शी ओन सेट बिकॉज ऑफ गिल्ट एंड एम्बेरसमेंट बट वो बोल देती है कि ये मैंने बोला है और उस टाइम पे ये वाला खुलासा होता है जो मैं एक्चुअली मैंने अपने रिव्यू में एड्रेस किया था और मैंने बोला था कि इस बारे में वीकेंड में बात होनी चाहिए और हुई वेरिन सौंदर्य से एड कि अंकित की मम्मी अपना गला दबा देंगी अगर प्रियंका उनकी बहू बनकर आ गई तो देखो अंकित और तो प्रियंका का क्या इक्वेशन है दे नो इट बेटर ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल कॉमेंट है और मुझे नहीं अच्छा लगा था जब सौंदर्य ने बोला था इनके बारे में ये और यही बात आज हुई एंड आई रियली फेल्ट बैड फॉर प्रियंका एंड अंकित दैट दे वर नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट एंड अंकित कहते हुए भी दिखाई दिखाई देते हैं सौंदर्य को कि यू डू नॉट एग्जिस्ट फॉर मी जबकि लास्ट वीक में ऐसा देखा गया था कि अंकित वॉज काइंड ऑफ टॉकिंग टू सौंदर एंड देवर हैविंग अ हेल्थी कॉन्वर्सेशन बट नाउ अंकित सेड इट कि यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी सौंदर एंड यू वेंट टू फार एंड यू वेंट टू पर्सनल एंड प्रियंका काफ़ी ब्रेकडाउन होता है उसका वो रोती है एंड अपने आप वो ठीक हो जाती है बट बिकॉज प्रियंका इज़ अ काइंड ऑफ अ वूमन हु कम्स अक्रॉस वेरी ब्रेव एंड आई थिंक शी इज़ वेरी ब्रेव एंड ओ जी शी इज़ लिटरली वेरी ओरिजिनल इन द शो एंड आई एम काइंड ऑफ बिकमिंग टू बी अ फॉन्ड ऑफ हर एंड शी इज प्लेइंग हर गेम रियली वेल तो ये खुलासे होते हैं मेजरली फिर उसके बाद साम का टास्क होता है जिसमें प्रियंका विनसेट अगेंस्ट नौ लोग प्रियंका को वोट देते हैं दैट शी इज प्लेइंग हर गेम वेरी वेल एंड पांच लोग वोट देते हैं निमृत को फिर हम दाम की तरफ आते हैं जहां पर सिद्धार्थ और रकुलप्रीत आते हैं थैंक गॉड करके मूवी प्रमोट करने और वहाँ पे अब्दू को टास्क मिलता है विद दन असिस्टेंस ऑफ साजिद टू गेट अ बुरगीर बुरगीर एंड पिज्ज़ा तो काफ़ी एंटरटेनिंग टास्क था वो मेरे को लगता है कि वो लाइटर मोड प्रेजेंट करने के लिए किया गया था ठीक है और उसमें क्या कहते हैं कि असली और एमसी सी स्टैंड को भी टास्क मिलता है असली और नकली वाला जिसमें चेन पहनानी होती है एमसी स्टैन स्टैंड को तो वो असली की चेन पहनाता है साजिद खान को नकली की शालीन को फुस्की की सुबुल को एंड वट की शिव को मेरी मेरी ओपिनियन में मेरे प्रेफरेंसेस के हिसाब से बेस्ट बेस्ट डिसीजन मतलब जो मेरे दिमाग में कंटेस्टेंट्स चल रहे थे उस समय एमसी स्टैन स्टैंड ने उन्हीं को जाकर वो चेन्स पहनाई हैं

जस्चर्स यूर प्रेजेंटिंग इन द हाउस नो बडी इज लाइकिंग इट सो प्लीज प्लीज इंस्टेड ऑफ हंसने के बजाय आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ दैट हैपन्स फिर आती है बारी जो आज का यू एस पी फैक्टर था हमारे वीकेंड के बार का दंड की ठीक है दंड में ऑल द घर वालाइंड ऑफ अक्यूज शालीन बिकॉज ऑफ इज अग्रेसिव बिहेवियर Uh, उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूटेड है उसका धक्के वाला बिहेवियर द वे ही बिहेव विद द डॉक्टर जो हम सारे बात कर रहे थे अपने रिव्यूज़ में और ये बात आज हुई भी जिसमें से काफी कुछ सुनाया जाता है शालीन को ऑल्दो आई स्टिल फील की जो सिम्बल वाला फैक्टर उसके ऊपर एड्रेस किया गया है ही इज नॉट सोलली एंड एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग विद सिंबल लाइक आई सेड एवरीबडी इज अकाउंटेबल फॉर देयर ओन एक्शंस बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो विल से इट विद लॉड ऑफ कन्वेक्शन दैट Charlene has an attitude issue. He lives in his own air and he walks five inches above the ground. The way he spoke to the doctor when he was getting some panic attack, as for him, and anxiety attack, and today he defends himself by saying that I was not in my proper sense and that is why I reacted the way I reacted. Okay, again, uh, acceptable but not entirely.

You could have just gone to any camera in the house. You have got 150 cameras. You could have just stood up and gone to the camera and apologized for your behavior before Salman Khan addressed it to you. तो आपको जाके कैमरे में अपॉलिज़ेइस कर लेना चाहिए था कि मैंने जो भी किया, I was out of my sense and I did not mean it. जो आज आपने सलमान खान के क्वेश्चन के बाद बोला, अगर आपको ये लगा था तो आपने ये पहले क्यों नहीं बोला? ठीक है एंड द स्टेटमेंट द आई हैव गॉट द पैनल ऑफ लॉयर्स ये आपके एक अग्रेसिव और एक डोमिनेंट एटीट्यूड को दिखाता है इफ यू थिंकिंग यू आर एन एक्टर एंड यू कैन टॉक अबाउट एनी बडी एल्स एंड एनी बडी एल्स प्रोफेशन एंड डिमेन्स समबडी आई एम सॉरी यू कमिंग अक्रॉस वेरी वीक ठीक है इंसान गुस्से में अग्रेशन में बहुत कुछ ऐसे चीजें बोल देता है जो वो मीन नहीं करता है बट वेन यू गेट बैक योर सेंस वेन यू हैव फॉट योर एंगर एंड चीजें हैव पास्ट यू शुड हैव कम अक्रॉस एंड यू हैव अर यू शुड हैव अर इट एड इधर वाया समबडी और डायरेक्टली टू द कैमरा तो आज वो बात निकलती ही नहीं उल्टा आप अगर पहले अपॉलोजाइज कर लेते तो आई थिंक आपकी तारीफ होती है आज के एपिसोड में आज के एपिसोड में आपको बताया जाता कि हाउ स्ट्रांग यू आर एज अ मैन कि आपने गलती करी एंड एंड यू ओवरकेम इट सो ईजिली ठीक है सो दैट हैपेंड एंड उसके बाद दिख रहा है कि शालीन एंड टीना इनकी हालत बहुत टाइट हुई है देम्स आर सेंग कि हमारी बहुत फटी पड़ी है वी डोंट नो दे स्टिल ट्राई टू सॉर्ट आउट सर्टन इशूज विद सिम्बल बैक स्टेज कि भाई क्या क्या हमसे गलती हो रही है क्या हो रहा है है बट सुम्बुल बींग सुम्बुल देर इज नो आंसर्स विच आर बींग हर्ट प्रॉपरली और बहुत सही बोलती है अर्चना कि भैया अब तो तुम्हारे पापा ने भी आकर बता दिया अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में एंड स्टिल आई डोंट नो लाइक वट्स गोइंग ऑन इन द हाउस विद दिन दीज थ्री तिगड़ी शाली गलत भी करता है जैसे कि जो उससे गलती से टास्क में हो गया था जो अर्चना को धक्का लग गया था मैं ये नहीं कह रही कि तुम डंडे लेकर खड़े हो जाओ बट एटलीस्ट तुम एड्रेस तो करो एक्नॉलेज तो करो कि शालीन वॉट एवर यू हैड डन इंटेंशनली और अन इंटेंशनली भाई वो नहीं सही जा रहा होगा ऑडियंस को आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आते हो लोगों लोग आपको एज अ हीरो एज अ घर घर का पार्ट मानते हैं बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ अ टी वी सीरियल राइट एंड देन यू डू समथिंग एंड यू जस्ट ट्राई टू वॉक ओवर इट विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर क्लेरिफिकेशन और जस्ट डिनाइंग इट आई थिंक आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है टीना एंड एंड uh, शालीन इट्साइम यू रियलाइज दैट आपका गेम खराब हो रहा है आई वु आई वुड सजेस्ट यू इंस्टेड ऑफ प्लेइंग लव एंगल वाई डोंट यू प्ले द फ्रेंडशिप एंगल एंड आई थिंक दैट वुड लीड यू फार इन दिस अपकमिंग सीजन बिकॉज आप सबको साफ दिख रहा है कि कोई फीलिंग्स तो है नहीं बट यू जस्ट मेकिंग दिस अप एंड सिंस वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट वाई डोंट यू जस्ट प्ले अ फ्रेंड एंगल ओके सो दैट एंड इवेंचुअली नॉमिनेटेड सदस्यों में से श्रीजिता आउट हो जाती हैं ऑलो श्रीजिता एज अ बिग एक्टर बट भाई आज का बड़ा तेज धक्का लगा बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरीके की टी वी पॉपुलरिटी काम नहीं आ रही है आप चाहे छोटी सरदारनी हो चाहे आप कोई भी हो अब बड़े हो जाओ सारे के सारे बिकॉज आपको श्रीजिता के जाने के बाद समझ में आ जाना चाहिए दैट ऑडियंस इज ओनली लुकिंग फॉर ऑथेंटिसिटी एस्थिसिटी आपका ट्रू कैरेक्टर क्या है आपका टी वी कैरेक्टर क्या था उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है एम सी स्टैन की काफ़ी तारीफ होती है हर एपिसोड में अब्दू की तारीफ होती है अर्चना की तारीफ हो रही है एंड आई हैव बीन प्रेजिंग दीज पीपल एंड माई रिव्यूज इज वेल दैट मीन्स क्लियरली विद ऑडियंस इज ऑन द सेम पेज दे हैव वेरी

सो so, थोड़ा बकल अप करो आई होप नेक्स्ट वीक कुछ एंटरटेनिंग और कुछ मज़ेदार देखने को मिले आई विश यू ऑल अ ग्रेट फेस्टिविटीज अराउंड आर्स बिकॉज काफ़ी कुछ हो रहा है और uh, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं एंड रिसेंटली मैं केरला भी गई थी एंड वेर एन आई एक्सप्लोर द एंटायर ट्रैवल एक्सपीरियंस बाय गोइंग ऑन अ हाउस बोट एंड आई हैड लॉर्ड ऑफ गुड टाइम द ट्रैवल ब्लॉग विल बी आउट सून ई दाई टुमोरो और मे बी लेटेस्ट बाई डे आफ्टर बिकॉज मेरा गले थोड़ा दर्द हो रहा है बॉडी आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल सो सी हाउ इट गोज एंड आई होप यू शो लॉर्ड ऑफ लव एंड डोंट फरगेट टू सब्सक्राइब गाइज 89% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करो इफ यू लाइक मी एंड यू लाइक मी एज अ पर्सन एंड यू कैन रिलेट टू मी ठीक है दैट्स इट फॉर द रिव्यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ चाओ